तो गाइज आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये व्हाइट फॉरेस्ट केक आपको कैसा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना। हेलो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के लिए एक नया केक लेके आया हूँ व्हाइट फॉरेस्ट बेकरी में। नया डिजाइन किस तरीके से बना है वो सारा कुछ इस वीडियो में दिखाएंगे। लेयरिंग मैंने कर लिया है, लेयरिंग में डाली मैंने इसके रेड चेरी और स्ट्रॉबेरी क्रश, और उसके बाद अब इसकी कर लेते हैं हम आइसिंग। आइसिंग कर लेने के बाद इसके ऊपर क्या नया डिजाइन है क्या नहीं है सारा कुछ वीडियो में देखने को मिलेगा आपको। पूरी वीडियो वॉच करना तब जाके समझ में आएगा आपके, जब पूरी वीडियो वॉच करोगे। और वीडियो को लाइक कर देना, जो नए हैं पेज पे तो फॉलो कर देना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए। तो आइसिंग करने में तो ज़्यादा टाइम लगाया नहीं हमने, फटाफट से आइसिंग कर ली है इसकी। और आइसिंग कर लेने के बाद इसमें डिजाइन वगैरह डालते हैं और आपको दिखाते हैं कि नया क्या है इसमें। साइड में भी इसके मैं अभी फॉर्म से नहीं ये नाइफ से ही कर रहा हूँ। तो आप नए नए केक बनाना सीख रहे हैं तो तब नाइफ से मत करें, फॉर्म लीजिए, क्योंकि हमें आदत हो गई है हम कर लेते हैं इससे भी नाइफ से भी इस तरीके से। प्रॉपर आइसिंग करनी है, देख सकते हैं। ये आइसिंग कर लेने के बाद इसका ऊपर का पार्ट प्लेन कर लेना आपने, ये हो चुका है आइसिंग। तो अब इसके ऊपर क्या डिजाइन डालना क्या नहीं है वो दिखाते हैं आपको आगे, देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो नया डिजाइन के लिए ले रखा है व्हाइट कंपाउंड मेल्ट कर रखी है, व्हाइट कंपाउंड मेल्ट कर ली। मेल्ट कर लेने के बाद क्या करना है वो भी देखिए, थोड़ा इसको इस तरीके से, ज़्यादा गर्म होगी तो एकदम क्रीम फट जाएगी, इसलिए थोड़ा सा इस तरीके से घुमा लीजिए इसको ताकि सही टेम्परेचर आ जाए इसका। तो चलिए अब हम इसको केक के ऊपर डालेंगे, तरीके से केक के ऊपर यहाँ पे डाल दिया हमने इसको, और ज़्यादा टाइम ना लगाएं इसको, फटाफट से इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से फैला लीजिए। ये इस तरीके से साइड से बेहतर रहेगा और आपका व्हाइट फॉरेस्ट केक भी तैयार हो गया। व्हाइट फॉरेस्ट केक है, इसके ऊपर थोड़े से फ्लेक्स तो डालने पड़ते हैं। तो इसको साथ इस चॉकलेट के साथ साथ में ही इसको डाल दीजिए, एक इस तरीके से क्रश कीजिए, साथ साथ में डाल देंगे तो इसके ऊपर ही ये चिपक जाएंगे, तो अगर बाद में डालोगे तो चिपकेंगे नहीं आपके, इधर उधर डालेंगे फ्लेक्स। ये देख सकते हैं इस तरह का डेकोरेट हो गया। और अब हमने क्या करना है इसको बेस के ऊपर उठा लीजिए, तो सिंपली स्टार नोजल से बॉर्डर देके ये देख सकते हैं आप ये बॉर्डर ले लिया। गार्निशिंग यहाँ पे हम ये फैन बने हुए हमारे पास इनसे ही कर रहे हैं। ये देखिए और ये रेड चेरी लगा दी यहाँ पे, तो अब पास से दिखाते हैं आपको। तो गाइज आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना ये व्हाइट फॉरेस्ट केक आपको कैसा लगा, और